अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आज आप लोग हैरान रह जाएंगे, सिंध सरकार का एक ऐसा वाकया है और ऑफिशियल है, कुछ जराए वराए के मुताबिक नहीं है, घुमा के लेके आए इजलास के थ्रू कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सिंध गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन की, नैम ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने पैसे वापस कर दिए, या वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो डर गए, खुद जाके उन्होंने कहा हमने गबन किया था, ये पैसे वापस ले लो और बार्गेनिंग कर लेते हैं, 25% पैसे वापस लो, हमारी जान छोड़ो, हमने 100 करोड़ रुपए कमाए, आप 100 करोड़ का 25% ले लें और हमें जाने दें। ऐसे 500 ऑफिसर्स हैं जिनको सिंध हुकूमत ने कहा है कि नौकरी, सिंध हाईकोर्ट ने कहा है नौकरी से निकालो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट निकाल नहीं रही। खैर, मजे की बात सुने, अब सिंध हुकूमत कह रही है नैब से कि ये जो बंदे आपने पकड़े थे, जो इन्होंने पैसे गबन के आपको दिए थे, उसमें से 25% हमें दो। दोबारा बताता हूं, नैब ने जिन लोगों को पकड़ा, वो ऑफिसर्स जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी के हैं, उनसे पैसे निकाले जो उन्होंने करप्शन की, जो उन्होंने बंधनवानी की, जिन्होंने ठेकों से पैसा कमाया, सरकार का पैसा कमाया, वो पैसा मैं फिगर बताऊंगा कितना कितना पैसा उन्होंने बनाया, पहले आपको बात समझाऊं। वो पैसे उन्होंने जो नैब ने ले लिए और उनके बाद उनको रिहा कर दिया और फैसले में लिखा कि सरकारी नौकरी नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है, वो सरकारी नौकरी तो कर ही रहे ना, वो हाईकोर्ट का फैसला भी बताता हूं, हाईकोर्ट क्या कह रहा है और सिंध हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने एक उसमें से एक तिगड़म एक एंगल निकाला है कि भाई आपने हमारे बंदे पकड़े, उन्होंने करप्शन की थी, ठीक है, कुछ हमारे बंदे खुद आपके पास आ गए डर के, उन्होंने करप्शन की थी, ठीक है, आपने उनसे पैसे बरामद कर लिए, ठीक है, अब जो आपने पैसे अपने पास रखे हैं उसका 25% हमें दो। ये कान में नहीं कहा है, ये जराया नहीं कह रहा है, इसके लिए इजलास हुआ है, खत लिख दिया नैब को। अब इतना खौफनाक किस्म के डीजी हैं कराची नैब के, डॉक्टर नजब कुली मिर्जा, मतलब ईमानदारी के जितने पुलिस ऑफिसर्स या FIA में रहे या नैब में रहे, बहुत अच्छी सुलझी हुई शख्सियत, लोग इनको बहुत अच्छा समझते हैं, ईमानदार ऑफिसर्स के अंदर आते हैं। उनसे मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं भाई जो आपने पैसे पकड़े हमारे लोगों के, वो पैसे हमारे वापस करें, हमें 25% उसमें कमीशन दें, हमें पैसे वापस करें। क्या बात है सिंध हुकूमत की, मतलब हद सुना नहीं होगा आपने, कह रहे हमारे बंदों से जो आपने पैसा निकाला, हमारे बंदों से जो आपने पैसे लिए, हमारे बंदों से ने जो करप्शन की, जो आपको पैसे दिए, उसमें से आप हमें पैसे वापस करें। फिर फिगर्स भी दे रहे हैं, खत में फिगर्स दे रहे हैं, कितने पैसे 2009-2010 से 2020 तक, इन 10-11 सालों के अंदर टोटल पैसे जो सिंध नैब को बंधनवानी के मुकदमात के अंदर दिए हैं, जो वसूल किए गए हैं, उसका 25% हमें दें। यार मैं तो हैरान रह गया हूं, बहुत हैरान रह गया हूं। मलिक रियाज भी आके कह सकता है भाई मेरी 5 रेफरेंसेस के अंदर मैंने 9.5 अरब रुपए दिए और दे रहा हूं किस्तों के अंदर, प्ली बार्गेनिंग की है, अब इसका 25% मुझे वापस कर दें। 1.765 करोड़ रुपए मलिक रियाज बोले भाई मुझे वापस कर दो। मैं 2-3 बहुत ही हैरान किस्म की जो है ना वो चीजें, कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, सिंध हाई कोर्ट के स्टेज को नजरअंदाज किया जा रहा है, तोड़फोड़ कराची में जा रही है। ये 2-3 चीजें भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन ये हजम होने वाली बात नहीं है। जो सिंध हुकूमत ने अभी एक बेहतरीन किस्म का खत और काबीना के अंदर बैठ के डिस्कशन कर लिया, ये कि सिंध काबीना ने सूबाई एहतसाब ब्यूरो से कहा है कि वो रजाकाराना तौर पर वापस स्कीम के तहत वसूल करदा 160 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत को अदा करें। यानी कि जिन लोगों ने करप्शन कर ली, जिनको पकड़ लिया, या रजाकाराना तौर पर डर के वो चले गए, उन्होंने पैसे दे दिए कि मैं ऐसा हमने जो है चोरी की है, हमने ये पैसे सरकार के खाए, उसमें सिंध हुकूमत कह रही है हमारे पैसे वापस करो, इसमें जो कमीशन है हमारा 25%। अभी टोटल अमाउंट कितना बनता है, हैरान होने वाली बात है। कानून के अंदर इसका जवाब है नहीं है, इसके ऊपर मैं भी काम करूंगा कि भाई कानूनी तौर पर तो ऐसा मामला नहीं है। नैब की भी तो अजीब ही है ना कि आप 1000 रुपए की चोरी करें, 250 रुपए दें, सलाम वालेकुम, बाकी 750 रुपए में जिंदगी इंजॉय करें, तो कहीं ये तो नहीं है कि हाँ जिसने
उस हुकूमत को जिसके पैसे हैं उसको भी कमीशन वापस करना है जितने पैसे निकाले। एक तो यह कि सिंध हुकूमत ने 2009, 10 और 11 से 2020 और 21 के दौरान नैब सिंध से बंदनुमानी के मुकदमात में मजमूई तौर पर 6,38,22,87,659 रुपए वसूल किए। अच्छा, अब ये जो पैसे नैब ने मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर 6 अरब रुपए इन्होंने वसूल किए, अब उसमें सिंध को जो अमाउंट 25%, यानी जो सिंध हुकूमत कह रही है कि भाई हमारा बनता है हमें आप 25% पैसे दें, वो कितने? 1,59,55,71,920 रुपए सिंध हुकूमत कहती है सही नैब वाले आप हमें दें। यानी कि मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं डॉक्टर नजफ कुली मिर्जा को, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नैब कराची के, उनसे कह रहे हैं भाई हमारे पैसे जो आपने हमारे बंदों से लिए हैं जो उन्होंने करप्शन किया उसका 25% आप हमें दे दें। अब इसको क्या कहेंगे, मैं इसका कानूनी जायजा लूंगा, लेकिन मैंने सोचा है पहले ये स्टोरी कर लेनी चाहिए, आपको बता देना चाहिए कि अगर ये कानून के अंदर है तो ये नैब का कानून क्या है, और अगर ये कानून के अंदर नहीं है तो ये सिंध हुकूमत कर क्या रही है। तो नजफ मिर्जा और मुराद अली शाह हेड ऑन है। नजफ मिर्जा के बारे में पीपल्स पार्टी का पसीना निकलता था जब ये पुलिस में थे। पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध पुलिस में इनको नौकरी नहीं मिली, पोस्टिंग नहीं मिली, पीपल्स पार्टी के लोगों की इनसे जान निकलती थी जहां ये पोस्टिंग में आया, क्योंकि ये वो काम करने नहीं देते थे जो काम अमूमन सियासी पार्टियां करती हैं। जाहिर है सिंध गढ़ पीपल्स पार्टी का, तो बड़ा मुश्किल था नजब मिर्जा की मौजूदगी में सिंध हुकूमत के काम होना चलना। वैसे जुल्फकार मिर्जा के नाराज कजन भी हैं नजब मिर्जा साहब, लेकिन दोनों में सुना यह कि ताल्लुकात नहीं है। अब मामला यह है कि नजब मिर्जा ये पैसे दे देंगे, नजब मिर्जा से 25% जो डाके डाले हैं, जो करप्शन की है, उसके पैसे सिंध गवर्नमेंट मांग रही है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, सिंध हाई कोर्ट ने 500 से ज्यादा सिंध हुकूमत के ऑफिसर्स को हुक्म दिया है सिंध हुकूमत को कि इनको नौकरियों से निकालें, क्योंकि ये नैब जना है, ये नौकरियां नहीं कर सकते। इस हुकूम की खिलाफ वर्जी सिंध हुकूमत कई अरसे से कर रही है, ना सिर्फ उनको पोस्टिंग्स पर रखा हुआ है बल्कि उनको प्रमोशन कर करके अच्छी पोस्टिंग भी दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं एक और मामला। अच्छा, एक छोटा सा और इसमें एक और फैक्ट मैं डिस्कस कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक फैसले में, जो 3 साल से जो उनके रिजल्ट्स रोक दिए, उसमें अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बार बार जॉब्स देने का मामला और बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कि अब नौकरियां बेचने वगैरह, उसको रोक दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चंद दिनों पहले, मैंने पहले भी इसको जिक्र किया लेकिन इससे मुतालिक है तो मैं बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब की अदालत में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उस बेंच में थे, उन्होंने जुमला अदा किया कुछ तो खुदा का खौफ करो। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंह, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा सारी चीजों पर, उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, उन्होंने कहा तैयारी कर क्यों नहीं आते। मामला क्या था? मामला यह कि सिंध के 5 डिवीजन के अंदर एक ही वक्त के अंदर टेस्ट हुए, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सखर और एक कौन सा डिवीजन, उसमें टेस्ट हुए नौकरियां देने के लिए, एक ही वक्त में टेस्ट हुए। उसी तारीख के अंदर जिस दिन टेस्ट हुए उसी दिन कॉपियां चेक कर ली गई, उसी दिन फाइनल लिस्ट लगी, उसी दिन इंटरव्यूज हुए और उसी दिन नौकरियों पे रख लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कैसे मुमकिन है, या तो सिंध गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस हो गई है या तो कुछ गड़बड़ है तारीखों का। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा मैं पूछ के बताऊंगा हर सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, तारीख आ गई। अगर वो बता देते तो फैसला ऐसा आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो चीजें नहीं हो सकती थी, लेकिन बहरहाल वो चीजें हो गई हैं। अब अगली तारीख का मामला है, अगली तारीख को क्या होता है, ये है सूरत हाल। अब एक और मैं आपको चीज बताता हूं, कराची में जो साइड लिमिटेड है, ये बहुत बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि सनअतकार यहां से अपनी चीजें लपेट के सिंध से भाग जाएं। उसके 2-3 जवाब और भी है लेकिन लंबा हो रहा है
व्लॉग में दो पॉइंट बता के खत्म करूं, फिर अगले वाले के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये गेम है क्या, और तस्वीर फुटेज भी दिखाता हूं। 1960, 1970, 1980 के अंदर लीस्ट फैक्ट्रियां, सनतें, साइड लिमिटेड वन की, साइड टू है, साइड वन की जो यहां पे बल्दिया और औरंगी के बैक साइड पर और उसके साथ लिंक्ड है शेषा वाली साइड पर, ये साइड लिमिटेड यहां पर एकड़ जमीन की कीमत इस वक्त 50 करोड़ रुपए, पाकिस्तान की महंगी तरीन जमीन है। वहां पर फैक्ट्रीज ने स्टे लिया हुआ, एक डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूं, मैं चाहता नहीं उस फैक्ट्री का नाम आया तो मैं आपको थोड़ा वो उसका बीच का हिस्सा पढ़ सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं। उस फैक्ट्री को स्टे लिया हुआ उन्होंने हाईकोर्ट से कि ये आप जो तोड़ रहे हैं ये गलत है, ये लीज्ड है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, नाला वहां है, ये चीज आप यहां नहीं तोड़ सकते। लेकिन सिंध हुकूमत के जो नए ऑफिसर्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो कहते हैं हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भी, पैसे भी लेंगे, और जो तोड़ने वाले आएंगे उसकी मजदूरी भी आप देंगे, उन्हें खाना भी आप खिलाएंगे। सनतकार सर पकड़ के बैठे हुए, डरे हुए भी है, हमारा नाम नहीं लेना, हमारी फैक्ट्री का नाम नहीं लेना, अपनी फैक्ट्रियां तोड़वा रहे हैं, टूट रही हैं, पैसे भी खुद दे रहे हैं, वो मलबा भी खुद उठा रहे हैं। बहुत अंडर प्रेशर है सनतकार, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। एक बहुत सीनियर सिटीजन सनतकार वो अपने घर पर लेट गए। मैं उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनकी तकलीफ देख नहीं पाया कि क्या यहां पर कोई सुनने समझने वाला नहीं है। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद अगर सिंध हुकूमत के ऑफिसर्स किसी की फैक्ट्री को, और वो भी 50-50 साल पुरानी फैक्ट्री को, 40-40 साल पुरानी लीज फैक्ट्री को तोड़ रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। नाला यहां, फैक्ट्री यहां, नाले की सफाई की आड़ में, औरंगी नाले की सफाई की आड़ में साइड लिमिटेड की बहुत सारी फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही हैं। कोई सियासी जमात, कोई रहनुमा बात करने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सारी बातें कराची से मुतालिक कर रहे हैं, वो इस चीज का नोटिस लें। उनकी सिंध गवर्नमेंट के अंदर ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पैसे भी बना रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे हैं, वो जुल्म भी कर रहे हैं, तजलील भी कर रहे हैं सनतकारों की, धमकियां भी दे रहे हैं, अल्लामिया बने हुए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सनतकार बिस्तर पर बैठ गए, अल्लाह को याद कर रहे हैं, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम करूंगा, आज इजाजत दीजिए, लेकिन करप्शन के पैसे उसमें से 25% हमें दो, सिंध गवर्नमेंट का नया फैसला। अब रजब मिर्जा साहब देंगे, और क्या हिम्मत है हमारे मुराद अली शाह साहब की, क्या बात है, शानदार पैसे दें हमें 25% जो हमने पैसे हमारे लोगों से निकाले हैं, जिन लोगों ने हमारे लोगों ने करप्शन की उससे जो हमने पैसे निकाले हैं उसके 25% हमें वापस करें। प्रोग्राम यह खत्म करो, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा, इजाजत दीजिए, पाकिस्तान।